हेलो फ्रेंड्स, साजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, मैंने समर के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है, वही आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी। पेड़ पौधों को किस तरह खुराक देती हूँ वही मैं आप लोगों को आज शेयर करूँगी। मेरे जो छत पे जो पेड़ पौधे हैं उन पे मैं कोई ख़रीदा हुआ कोई सा भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ, सब घर के ही वेस्ट से मैं उसको बनाती हूँ और वही मैं आप लोगों को शेयर करूँगी आज। फ्रेंड्स, मेरे पास में ज़्यादातर मंदार के हैं जिसको बंगला में हम लोग जौबा बोलते हैं, और यही पौधे मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं। ये लगभग 14-15 मेरे पास में हैं, ये अलग अलग तरह के हैं। तो ये वाले पौधे बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, तो इसके लिए जो इनका जो भोजन होता है उसको बार बार देना पड़ता है। लगभग आप अगर एक सप्ताह या 10 डेज में आप डालेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे रहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल देते हैं। लगभग ये जो हाईब्रिड वाले जो मंदार के पौधे हैं ये लगभग 50-60 फूल तो ऐसे ही सीज़न में दे चुके हैं, तो इसलिए ये जो फूलदार वाले जो पौधे हैं तो इनको ज़्यादा भोजन भी चाहिए होता है और इनकी हरियाली भी बनाए रखने के लिए सभी तरह का प्रोपोर्शन ज़रूरी होता है। तो मैंने इसी के लिए अपने छत पे जो बनाए हैं मैं जैसे देती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं गोबर के जो उपले होते हैं ना वही उपले को घर में ज़्यादा करके स्टोर करके रख लेती हूँ, और ये उपले जो हैं इसे मैं कंपोस्ट भी बना लेती हूँ, और उसके बाद में ये जो कंपोस्ट बनने के बाद में इसको एक बकेट में थोड़ा सा डाल के भिंगो देती हूँ, और ये जो भींगा हुआ जो पानी रहता है ना फ्रेंड्स उसी को मैं 10-15 दिन के अल्टर में चेंज करते हुए देती हूँ। कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बना के रखी हूँ उसका पानी को देती हूँ, उसका रेशियो जो होता है ना फ्रेंड्स, जैसे एक मग पानी लेती हूँ और पूरा एक भरा हुआ बकेट पानी लेती हूँ, तो इससे क्या होता है 1:10 के रेशियो से हम डालते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, अगर ये पौधा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि गोबर के जो पानी होते हैं उससे पत्तों को भोजन मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा भी पेड़ पौधों के लिए दूसरे फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत होती है। तो ये फर्टिलाइज़र में मैं हमेशा कई सारे चीज़ मिलाती हूँ, वो मैं एक एक करके बता रही हूँ, आप चाहे तो उसे आप लिख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर में चावल का जो वेस्ट होता है ना, माड़ बोलते हैं जिसको, वो जमा के रख देती हूँ। लगभग 10-15 दिन का वो थोड़े से खट्टे हो जाते हैं, लेकिन उसको मैं एक जगह पे जमा के रख देती हूँ। जमा हुआ चाय और ये सब एक जगह पे डालते जाती हूँ। केले के छिलके होते हैं, अंडा का चूरा होता है, गोबर के उपले रहते हैं इसी में, और ख़राब वाले दाने होते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे चना हुआ, सोयाबीन हुआ, बेसन हो गए, गुड़ हो गए, घर में रहते रहते ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इन सब को इसी में डाल देती हूँ। और सब्जियाँ के जो निकलते हैं ना, वेस्ट निकलते हैं, वो सब ये सारे चीज़ डाल देती हूँ। और जैसे चाय तो घर में बनता ही होगा सभी के घर में, या हमारे घर में भी बनता है, कम ही बनता है, लेकिन जब बनता है तो मैं उस सबको एक जगह पर स्टोर करके रखती हूँ, तो उसके बाद में ये सबको उसमें डाल देती हूँ। और वेस्ट सब्जियों का जो छिलका होता है ना फ्रेंड, उसको मैं अलग से एक बकेट में उसको पहले 15-20 दिन तक एक जगह पे जमा करते रहती हूँ, और उसी में चावल का जो फैन होता है ना या माड़ होता है उसको मैं जमा करते हुए रखते रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा मुरझा भी जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और इसमें सड़न भी आ जाती है बहुत जल्दी से, और फिर ये सबको एक जगह पर स्टोर करके मैं रख देती हूँ। इसी में मेरा ये खल्ली भी है, और इसी में मेरा और भी जितने सारे वेस्टेज हैं मैं सब एक ही जगह पर रख देती हूँ। ये लगभग 4-5 महीने के हो गए हैं, 4 महीने तो हो ही गए हैं। ये इसको मैं लेते जाती हूँ, जैसे जैसे इसमें से मैं एक मग दो मग पानी निकालती रहती हूँ वेस्ट वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र का, तो वापस से मैं उसी में और एक आधा बाल्टी करीब पानी भी डाल देती हूँ, और ये मेरा चलते रहता है। जब तक ये ख़त्म होगा तब तक मैं नया बैच बना लेती हूँ। तो इसमें थोड़ा भी स्मेल नहीं आ रहा है, वैसे तो इसको छान के आप पेड़ पौधे पे डालिए, वरना इसके जो थोड़े से भी अंश रह जाएंगे तो पेड़ पौधों में को ख़राब कर देगा, तो ये छानना बहुत ज़रूरी होता है छलनी से। तो मैं इसके ऊपर में जो वेस्ट आ गए हैं मैं उसको फेंक दे रही हूँ। ये जो है लिक्विड ये हार्डी प्लांट के लिए होगा,
लेकिन आप सीजनल प्लांट के लिए इसको डालेंगे तो थोड़ा रेशियो को और ज़्यादा कर दीजिए, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना ये सहन तो कर लेंगे बड़े वाले, लेकिन जो नए पौधे होंगे वो सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसको पेड़ पौधों को छोटे वाले को बहुत कम क्वांटिटी में देना होगा। पुराने प्लांट का मतलब यही है कि फ्रेंड जो 2-3 साल के जो पुराने वाले प्लांट होते हैं वो सारे। वैसे फ्रेंड गार्डनिंग करते करते थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया है कि जैसे जो पुराने प्लांट है, जैसे मंदार के प्लांट जो है वो 4-5 साल से ज़्यादा नहीं टिकते हैं, क्योंकि बारिश लग होती है और पेड़ पौधे क्षति पे रहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। जितना भी आप इनको प्रोटेक्ट कर लीजिए ये 5-6 साल तक अच्छे से रहेंगे, उसके बाद फिर आपको नया इसका या तो कलम करके रखना होगा पहले से, या फिर नए पौधे खरीदने पड़ते ही हैं, कि हर प्लांट की अपनी एक लाइफ होती है। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। और जैसे मेरे पास बैम्बू प्लांट है तो मैं उसमें ये सब बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि बैम्बू प्लांट जो है वो सब सहन ही नहीं कर पाता है, तो उसको मैं ऐसे सिंपल रोज़ाना पानी डालती हूँ। अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसमें सिर्फ गोबर के पानी डालती हूँ, उपले वाले पानी जो भिगो के रखती हूँ उसको भी बहुत हल्के से, लेकिन ऐसे ये सब लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैं उसमें डालती ही नहीं हूँ। बैम्बू प्लांट्स में ये रोज़ मैं डालती हूँ, और मैं नींबू का जो प्लांट होता है उसमें डालती हूँ, कि नींबू में भी मेरे प्लांट में लगभग 60-70 ऐसे नींबू हर तीसरे महीने में निकलते हैं, तो उसमें मेरे को भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। तो मैं यही फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड वाला, तो उसको मैं हर 15 दिन के ऑल्टर में उसको डालते ही रहती हूँ। वैसे भी प्लांट में मैंने सबकी रिपोर्टिंग करी हुई है, और ये नींबू के प्लांट में भी मैंने नए से मिट्टी डाले हुए हैं, तो मिट्टी मिलाते समय थोड़े बहुत इसमें गोबर के जो खाद होते हैं, पुराने वाले पत्ती वाले खाद जो होते हैं वो ली इस सब मैंने उसमें डाले हुए हैं पहले से, तो मिट्टी वैसे भी भुरभुरी है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसको मैं अभी अगले 6 महीने तक डालती रहूँगी, और कुछ भी मिट्टी में मिलाना ही नहीं है। तो ये गर्मी का सीज़न भी आ रहा है, पेड़ पौधों में वैसे भी बहुत ज़्यादा धूप खाएंगे छत पे रहेंगे तो, और इसलिए हमारे यहाँ गर्मियों में भी कभी कभी आंधी तूफान के साथ साथ बारिश ज़बरदस्त होती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा उसमें कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ खाली लिक्विड वाला ही डालते जाऊंगी जितना ज़रूरत होगा, और पेड़ पौधों को रोज़ाना धुलाते जाऊंगी सुबह शाम। तो यही है मेरा पेड़ पौधे में डालना को केयर करने का डेली रूटीन। ये जो यहाँ पर एक टब बनाया हुआ है लिक्विड फर्टिलाइज़र का, ये जो पूरा टब भरा हुआ है ये मेरे पूरे 2-3 महीने तक काम आ जाएंगे, और ये जैसे जैसे ख़त्म हो जाएंगे मैंने साइट पे दूसरा से नया बैच बनाना शुरू कर दिया है। और किचन वेस्ट जो है फल और सब्जियों के जो छिलके, अभी ठंड में तो बहुत निकले, अभी गर्मियाँ आएंगी तो वैसे भी थोड़े कम हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैंने रख दिया है। 3-4 बोरियाँ भर के मैंने छत से जितने भी पेड़ पौधे सूखे वाले डाली वाले थे वो सबको निकाल के एक बोरे में डाल के रखा हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया है वो सारी चीज़ें। कुछ कुछ प्लांट के जो होते हैं तो मैं वैसे टब में थोड़े थोड़े पेड़ पौधे सूखे वाले डाल देती हूँ, टहनियों को भी। अगले 4-5 महीने में बोरियों से भी वो लीफ के जो है सूखे पेड़ पौधों के जो खाद हैं वो भी तैयार हो जाएंगे, और मेरे पास में सब्स्टिट्यूट में रखा हुआ है गोबर के उपले के जो खाद बने हुए हैं वो, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मेरा इसी से चल जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेंड्स प्लांट्स जो हैं अपने बच्चों की तरह हैं, इनको हम जैसे पोषण देंगे वैसे ही तैयार होंगे, और उसके बाद में पूरी धूप और अच्छा पोषण मिलेगा तो इनमें रोग थोड़े कम ही पकड़ते हैं। मैंने देखा है छत पे पेड़ पौधों में थोड़े से कीड़े मकोड़े कम ही रहते हैं, तेज़ धूप में और खाना अच्छा मिलता है तो अटैक बहुत कम ही करते हैं कीड़े मकोड़े। फ्रेंड्स हमारे प्लांट्स अच्छे रहते हैं तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।